हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज, अमेजोन पर लगी हुई है सेल, एंड इसमें से ना बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन तो पार्टीज में हम अटेंड करते नहीं हैं, तो कभी कभी कैजुअल कॉलेज ऑफिस और इस टाइप के भी कुर्ता सेट हमें चाहिए होते हैं जो हम मीन्स रेगुलर वेयर में पहन सकें। सो आज का कलेक्शन उसी पे है और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में ये मैंने परचेज किया है। अंडर राइटिंग 699 रुपीज़ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो है गाइज, वो एक कॉट सेट है। ये वाइट एंड ब्लू कलर का कॉट सेट है। इसमें रेड कलर के भी डिज़ाइन दी हुई है। सो यहाँ भी इसमें ना वी नेक मिल जाएगा। वी नेक के साथ एक प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है, बट गाइज ये धुलने के बाद श्रिंक भी होगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये पूरा लॉन्ग ही कुर्ता है, ये प्रिंट फैब्रिक में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ना आपको मिलेगा ये वाला पैंट। सो इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है इसमें दोनों साइड। सेम पैंट मीन सेम प्रिंट के साथ है, फैब्रिक कॉटन है इसका। बट इस टाइप के ना और भी मैं ले चुकी हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा हुआ है कि पहली बार धुलने के बाद ना थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है वो। सो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ से इतना ये नैरो है, तो ये पहनने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और रीजनेबल प्राइस में भी है, कुछ 499 रुपीज़ समथिंग। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया वो दुपट्टे के साथ है। सो ये जो है वो इसमें ना फ्रंट में एक्चुअली मुझे इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। बट जब मुझे रिसीव हुआ तो मुझे ये ओके लगा गाइस। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा वाओ फीलिंग आई इसको देखकर। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही घटिया है, मतलब ठीक ठाक लगा मुझे। तो प्रिंट इसमें ना बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये है ना फैब्रिक जो है वो है क्रेव फैब्रिक। मुझे ऐसा लगा था कि कॉटन ब्लेंड टाइप का कुछ फैब्रिक होगा, बट नहीं, ये क्रेव फैब्रिक है। तो अगर क्रेव पसंद करते हैं पहनना तो ही इसको परचेज करें। और यहाँ पे ना इसमें प्रिंट दिया हुआ है काफ़ी अच्छा। बैक साइड में भी सिमिलर प्रिंट आपको मिल जाएगा पूरे कुर्ते पर। और इसके साथ में दी हुई है ये पैंट। सो इसमें दोनों साइड इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है इस पैंट में। और लास्ट में ये इतना बॉर्डर मिल जाएगा। ये अलग से कुछ बॉर्डर दिया हुआ है, तो जो कि मुझे ठीक से समझ नहीं आया। और साथ में गाइस दिया हुआ है इसके ये वाला दुपट्टा। दुपट्टा अच्छा है इसका, दुपट्टा मुझे सच में अच्छा लगा। बिकॉज दुपट्टे का क्वालिटी, फैब्रिक और इस पे जो प्रिंट है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। सो अगर कह सकते हैं कि इस कुर्ते को ना इस दुपट्टा थोड़ा सा अच्छा बना रहा था, मुझे अच्छा लगा। इसमें टेसल्स दिए हुए, दुपट्टे की क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छी आई है। अगर ये वाला फैब्रिक भी होता ना तो ये मैं इसको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे देती, बट ये फैब्रिक इसमें नहीं है। और दुपट्टा अच्छा है, लेंथ एंड विड्थ वाइज अच्छा है। अगर आपको पहनना है तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें मेरा साइज है एम। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया वो एक कॉट सेट है, जो कि कॉटन फैब्रिक में, आई थिंक कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है, बट पहनने के बाद कॉटन ही लग रहा था। तो यहाँ पे ना इसमें फ्रंट में ये कुछ ऐसा दिया हुआ है ऐसा, और मैं बोल सकती हूँ कि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहनने के बाद। ये इसका फैब्रिक भी मुझे अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी, इसका फिट सब कुछ अच्छा आया था। तो फ्रंट में ये डिज़ाइन है और ये लेस लगाई हुई है, और सेम लेस यहाँ पे भी आपको स्लीव्स पे मिल जाएगी। और जैसा दिखाया हुआ था कि ये जो कुर्ता है ये थोड़ा शॉर्ट है, बट ये शॉर्ट नहीं है, नॉर्मल लेंथ का लॉन्ग कुर्ता है। और यहाँ पे भी इसमें ये लेस मिल जाएगी। फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है, कॉटन इसका फैब्रिक है। इसके साथ में ना दी हुई है प्लाजो, जिसमें इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है दोनों साइड। और यहाँ पे दिया हुआ है इतना घेर। ये पहनने के बाद सच में अच्छा लग रहा था गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि श्रिंक होने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं आएगी, बिकॉज इसकी फैब्रिक क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है प्राइस के अकॉर्डिंग। इसमें मेरा साइज एम है, जो कि मुझे इसमें परफेक्ट आया। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया ना गाइस, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कुर्ता सेट। ये ए लाइन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर है कुर्ते में, और हाँ ये ऐसी था, काफ़ी ज़्यादा घेर है कुर्ते में। और फ्रंट से ना नेक डिज़ाइन आपको ऐसा मिलेगा। इसकी फैब्रिक क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, ये कॉटन तो नहीं है बट क्वालिटी सच में अच्छी है इसकी। छूने के बाद भी अच्छी लगी थी, मिक्स में टाइप का कुछ फैब्रिक है। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा घेर आपको मिल जाएगा, ए लाइन पैटर्न में है बट घेर है कुर्ते में काफ़ी ज़्यादा। और पूरे कुर्ते पे आपको यही वाला प्रिंट मिल जाएगा इस कुर्ते पे। ये जो प्रिंट है फैब्रिक में ही है, तो ये वॉशेबल है, मीन्स आप कितना भी इसको वॉश कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है इसमें श्रिंक होने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मुझे लूज़ है, तो अगर आप मीन्स मेरे जैसे हेल्दी हैं तो आप इसमें साइज भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये स्लीव्स दी हुई हैं इसकी, बैक साइड से भी आपको ऐसा मिल जाएगा। और इसके साथ में मिली हुई है ये वाली पैंट। तो ये प्लेन पैंट है, किसी और के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे एक्चुअल में इसका अच्छा लगा। इलास्टिक
इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ये नैरो मिल जाएगा। इसका फैब्रिक भी वही सेम कॉटन ब्लेंड टाइप का फैब्रिक है बट सिंथेटिक मिक्स है। सो ये अच्छा लग रहा था पहनने के बाद मुझे, ये वाला, ये और इससे पहले वाला सूट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। सो इसमें मेरा साइज एम पहना है बट ये मुझे लूज है। सो नेक्स्ट जो सूट है ना गाइस, ये बिल्कुल मींस पार्टीज के पर्पज से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और गाइस बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी मैंने इसको परचेज किया है। सो ये जो है कुर्ता, इसमें ना बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, वी नेक के साथ है। एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा फाइन है ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी। वी नेक इसमें दिया हुआ है, ओनली ये जो नेक डिज़ाइन पे ही एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगी इसमें। और इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, पहनने में ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये सूट फिट इसका काफ़ी अच्छा आया है। और गाइज इसमें ना ये जो ये चोली वाले पार्ट पे ना, यहाँ पे ये अलग से इसमें लाइनिंग मिल जाएगी, इतनी ना सी थ्रू की ज़्यादा प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं आई थी। वैसे तो ये कलर ही है जो सी थ्रू वाला है नहीं, बट फिर भी अलग से इसमें लाइनिंग दी हुई है। साइड स्लिट के ये साथ में दिया हुआ है। फैब्रिक क्वालिटी गाइस ऑसम है इसकी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला सूट। कुर्ते पे ना जो एम्ब्रॉयडरी है ना, वो इतनी ज़्यादा फाइन है ना, इससे तो मतलब मज़ा ही आ गया था। इसके साथ में पैंट दी हुई है, जो पैंट नॉर्मल है, प्लेन है। इसके साथ में इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है पैंट में, और यहाँ पे इतना ये दिया हुआ है नैरो। साथ में मिला है गाइस दुपट्टा। दुपट्टा इसका मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज एक जो सूट है ना वो पूरा प्लेन है, सिर्फ यहाँ एम्ब्रॉयडरी की हुई है लाइट कलर में। सो दुपट्टे पे ना काफ़ी कंट्रास्ट में कलर्स दिए हुए हैं, ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें दिए हुए हैं, और ये दोनों साइड से ना आपको ऐसा डिज़ाइन इसमें कट आउट वाला मिल जाएगा, ये डिज़ाइन से मिल जाएगा। दुपट्टा गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसका, और ये सूट काफ़ी अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें मेरा साइज है एम, जो कि मुझे इसमें परफेक्ट आया है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।